खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब वो खबर जिसने हर किसी को रुला दिया। 3 बार दिल्ली की सीएम रही शीला दीक्षित नहीं रही। शाम 3:55 पर दिल्ली के स्कॉट्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें आनंद फानन में भर्ती करवाया गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और आपको बता दें कि कल दोपहर 2:30 निगम बोध घाट पर शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार होगा। ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। और 3री तस्वीर में आप देख सकते हैं यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी पहुंची, अहमद पटेल भी उनके साथ नजर आए। शीला दीक्षित जिनका बहुत ही लंबा सियासी सफर रहा, कन्नौज के सांसद के तौर पर राजनीतिक पारी का उन्होंने आगाज किया, केंद्र में मंत्री रहीं और दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार 3 बार रहीं। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो किसी सूबे की मुखिया इस तरीके से लगातार 3 बार रही हों। और यही नहीं, आखिर के दिनों तक राजनीति में लगातार वो सक्रिय रहीं। ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। शीला दीक्षित के निधन पर उनके बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। एक, मेरी माँ का देहांत हुआ है, स्वाभाविक है कि एक पुत्र के नाते उनको मिस करेंगे और जो एक दर्द माँ के जाने का होता, बहुत मुश्किल होता है मिटना। अभी तो खैर सवेरे हुआ है तो आगे कैसे इसको देखेंगे, समय देखेगा। लेकिन एक नेता के रूप में मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे नेता रहे होंगे जितना इतना बेहतरीन राजनीतिक जीवन जिया। और जैसे आपने कहा कि जब भी कभी आधुनिक नवीन बढ़ती हुई प्रगतिशील दिल्ली की बात होगी तो शीला जी का नाम उसमें लिया जाएगा और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। कभी कभी मुश्किल होता है कि राजनीतिक जीवन में ऐसे लोग भी निकलें जिनको अपने आगे एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे भाव में लोग याद करें। और मैं यही आशा करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली संवारी है, आने वाले समय में भी हम सबको भी हमेशा प्रेरित करें और केवल दिल्ली ही नहीं, हर शहर हिंदुस्तान का एक बेहतरीन शहर बने। शीला दीक्षित का निधन सभी को सन्न कर गया। अचानक आई इस खबर पर पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक शीला दीक्षित का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। सबको चौंकाकर, सबको सदमे में डालकर चली गई शीला दीक्षित। अपने प्रशंसकों को रुलाकर अचानक चली गई शीला दीक्षित। इक्यासी साल की शीला दीक्षित को सुबह उल्टी हुई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के स्कॉट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्कॉट्स अस्पताल के मुताबिक 3:15 शीला दीक्षित को हार्ट अटैक आया। उसके बाद शीला दीक्षित को वेंटिलेटर पर रखा गया था। दोपहर 3:55 पर हार्ट अटैक की वजह से शीला दीक्षित का निधन हो गया। देखो, दुखी भी हूँ, शीला जी हमारे बीच में नहीं रही। शी वॉज अ फाइटर और अंतिम श्वास तक वो अपना काम करती रही। दिल्ली में जिस तरह से उनके टेन्योर के दौरान काम हुआ वो हमेशा हमेशा याद रहेगा, एक स्वर्ण युग की तरह याद रहेगा। उनके निधन से काफी तकलीफ पहुंची है, न सिर्फ दिल्ली को, पूरे देश को। शीला दीक्षित यानी शांत सौम्य चेहरे वाली एक ऐसी नेता जिन्होंने राजनीति में 35 साल बिताए, लेकिन कभी किसी विरोधी पार्टी या नेता के खिलाफ कोई विवादित बयान नहीं दिया। शीला दीक्षित यानी एक ऐसी नेता जिन्होंने दिल्ली को संवारने का बीड़ा उठाया और वहां मेट्रो, फ्लाईओवर जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कर जनता के दिल में खास जगह बनाई। अपनी इसी छवि और काम की वजह से वो 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। वो दिल्ली की सबसे ज्यादा वक्त तक सीएम रही। शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक दिल्ली की सीएम रही। वो 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुकी थी।
शीला दीक्षित ने केरल के राज्यपाल का पद भी संभाला था। फिलहाल शीला दीक्षित दिल्ली कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। लोकसभा चुनाव में लोगों ने उन्हें बढ़ चढ़कर चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते देखा था, फिर अचानक उनके निधन की खबर से हर कोई सकते में आ गया। यकीन करना मुश्किल था कि समन्वय और शुचिता की राजनीति की मिसाल कही जाने वाली शीला दीक्षित अब नहीं रही। बहुत बड़ी शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की, और उन्होंने उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश के की राजनीति के लिए और खास तौर से दिल्ली के लिए। शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को कल कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। रविवार 2:30 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो क्या आम और क्या खास, हर तबके में शीला दीक्षित की सुकार्यता थी। बहुत ही प्रगतिशील सोच थी उनकी, उन्हें दिल्ली का चेहरा बदलने का श्रेय भी जाता है। गंदगी है सब जगह, और एक यू नो एक दिल्ली जैसी सिटी का माहौल नहीं है, बिल्कुल एक पता नहीं कहाँ टूटी फूटी सी जगह लगती है, तो बहुत काम करने के लिए है वहाँ पर। दिल्ली को बदलने की जिजीविषा, 80 पार करने के बाद भी गजब का उत्साह। दिल्ली के इतिहास में शीला जी का नाम हमेशा हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। शीला जी एक बहुत बड़ी नेता थी, बहुत बड़े दिल की थी, और शीला जी हरदम मुस्कुराती रहती थी। राजनीति की दलदल में रहते हुए भी दिल छूने वाली सादगी, यही तो थी वो पहचान जिसके बूते शीला दीक्षित हमेशा विरोधियों के दिल में भी बनी रही। शीला दीक्षित दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उनके सामने 7 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी जब आए, तो सुनिए मनोज तिवारी को क्या महसूस हुआ। अभी तो मिल के आए थे हम, और मिली भी ऐसे थी जैसे उन्होंने बड़ा बड़प्पन दिखाया था, बहुत बड़प्पन दिखाया था। वो जितनी बड़ी लीडर थी, मैं समझता हूँ दिल्ली में या देश में जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए एक उदाहरण भी हैं, वो एक माँ भी था उनके अंदर, जो मैंने महसूस किया था अपनी आखिरी मुलाकात में। सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक माँ का दिल लिए दिल्ली की सत्ता पर 15 साल काबिज रही थी शीला दीक्षित। यही वजह उनके जाने की खबर से उनके विरोधियों की भी आंखें गीली हो गई। आज तड़के उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 1 घंटे के अंदर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत से 1 दिन पहले तक शीला दीक्षित अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में जुटी रही। ये बेवजह नहीं था कि दिल्ली पर 15 साल तक एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस जब किसी हाल में वापसी नहीं कर पा रही थी, तो शीला दीक्षित को एक बार फिर दिल्ली की कमान राहुल गांधी ने सौंपी थी। इसकी वजह थी शीला दीक्षित की संगठन क्षमता। शीला दीक्षित के राज में दिल्ली ने विकास का वो चेहरा देखा था जो इससे पहले नजारा था। चमचमाती सड़कें, दिल्ली को जोड़ते फ्लाईओवर, दिल्ली की सड़कों पर निकलते ही दिल्ली बदली बदली नजर आती थी, और यही वजह बनी थी शीला दीक्षित के बाद एक चुनाव जीतते जाने की। उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे जो देश की राजधानी है उसके परिवर्तन में। जो हम हवाई अड्डे देखते हैं, एयरपोर्ट देखते हैं, फ्लाईओवर देखते हैं, तमाम प्रगति उनके समय में हुई। इतिहास उनको बड़े सम्मान से याद करेगा। शीला दीक्षित ने पहला चुनाव कन्नौज से जीता था, लेकिन दिल्ली में पढ़ी, दिल्ली में बढ़ी शीला दीक्षित के दिल में हमेशा दिल्ली बनी रही। साल 1998 में शीला दीक्षित को दिल्ली की राजनीति में लाया गया। हालांकि शीला दीक्षित दिल्ली से लोकसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों में उन्होंने दिल्ली के विकास का ऐसा विजन दिया कि दिल्ली की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। उनके सामने थे उस समय के बीजेपी के कद्दावर नेता मदन लाल खुराना। लेकिन खुराना के सामने शीला दीक्षित की सादगी दिल्ली की जनता को भा गई। इसके बाद सामने आया शीला दीक्षित की राजनीति का कौशल। 1999 से 2004 तक केंद्र में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार थी।
इन 6 सालों में कभी ऐसा टकराव देखने को नहीं मिला जैसा आज दिल्ली की राजनीति में देखने को मिलता है। शीला दीक्षित ने अपने कौशल से न सिर्फ दिल्ली के विकास की तस्वीर बनाई बल्कि उसमें रंग भी भरती गई। 99 में 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और शीला जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनके बहुत अच्छे संबंध, कभी भी वो विकास में पार्टी को आने नहीं दिया उन्होंने, दिल्ली के विकास में केंद्र से एक भी मुद्दे पर उनका तनाव नहीं हुआ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, जबकि दो दल के थे। शीला दीक्षित ने राजनीति के गुर सीखे अपने ससुर उमा शंकर दीक्षित से। उमा शंकर सिंह इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री हुआ करते थे और बाद में कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने। अपनी आत्मकथा सिटीजन दिल्ली माय टाइम्स माय लाइफ में शीला दीक्षित ने इंदिरा से मुलाकात का जिक्र भी किया है। गांधी परिवार से नजदीकी का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कोलकाता के जिस विमान से राजीव गांधी आए थे उसमें शीला दीक्षित भी सवार थी। इसी नजदीकी का फायदा शीला दीक्षित को तब मिला जब सोनिया गांधी दिल्ली के लिए एक चेहरा तलाश रही थी। इसी वक्त दिल्ली के कांग्रेस नेताओं को किनारे कर शीला दीक्षित को सोनिया गांधी आगे लाई। शीला दीक्षित ने यह साबित किया कि आखिर गांधी परिवार ने उन पर यह भरोसा क्यों किया। शीला की खासियत यह है कि उनके विरोधियों को भी उनके सामने आने में परेशानी नहीं होती, वो सहज रहती हैं, सरल रहती हैं। लेकिन ये बात अलग है, अपने 15 साल के दौरान शीला ने ना तो पार्टी के अंदर और ना ही बाहर अपने विरोधियों को अपने पैरों पर खड़े होने दिया। बीजेपी इस दौरान चाहकर भी शीला की छाया से बाहर नहीं निकल पाई। शीला दीक्षित अपनी शैली के लिए हमेशा जानी जाती रहेंगे, बहुत एक्टिव रही और सबके साथ उनका जो मिलनसार उनका व्यवहार था और जिस तरह से वो एक सभी को आशीर्वाद देकर सभी का साथ देते हुए सभी को साथ लेकर काम करने की उनका उनकी एक कार्यशैली थी। हालांकि साल 2010 में हुए कॉमनवेल्थ घोटाले में बदनामी की छींटे शीला दीक्षित के हिस्से भी आए, पर दिल्ली ये भी नहीं भूली कि कैसे शीला दीक्षित आखिरी महीनों में काम पूरा करने के लिए एक टांग पर खड़ी रही थी। उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे कॉमनवेल्थ खेलों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा उन कामों के लिए जो उन्होंने दिल्ली के लिए किए, जैसे मेट्रो। मेट्रो की शुरुआत शीला दीक्षित के राज में ही हुई। मेट्रो की राह में आने वाली हर बाधा को शीला दीक्षित ने आगे बढ़कर दूर किया। दिल्ली में सीएनजी लाने का श्रेय भी शीला दीक्षित को जाता है। इसके साथ ही सड़कें फ्लाईओवर के साथ साथ दिल्ली के स्कूल और अस्पतालों पर शीला दीक्षित ने खास ध्यान दिया था। यही वजह है कि उनके निधन की खबर सुनकर उनके निवास पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी जो उनके आखिरी दर्शन करना चाहती थी।